वैसे आप लोग उम्मीद करते अच्छे हैं तो अच्छा ही होना चाहिए, तो हमेशा खुश रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए ताकि हमेशा आप लोग को अच्छा लगता रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं आज हम लोग और हमारे सारे फ्रेंड लोग जा रहे हैं आज हम लोग नंदी हिल घूमने के लिए। वहाँ पे काफ़ी ढेर सारे पहाड़ी इलाके हैं तो आप लोग को दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग को कैसा है यहाँ का मैं व्यू दिखाऊँगा और यहाँ का नज़ारा कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूँ आप लोग को, हमारे अगर ड्राइव ट्रिक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमेशा आप लोग को रोमांचक भरे और ट्रिक भरे वीडियो मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज गाड़ी के ऊपर वीडियो नहीं मिलने वाला है आप लोग को, आप लोग को मिलने वाला है आज मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे नंदी हिल, तो आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं और हमारे साथ घूमने चलना हो तो चल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग एक बड़ा सा बस बुक करते हैं और सारे फ्रेंड एक साथ चलते हैं। तो दोस्तों देखिए रास्ते में काफ़ी अच्छा वीडियो आ रहा था तो इसलिए हमने वीडियो बनाया। तो दोस्तों देख लीजिए गाड़ी का सीन है और यहाँ पे ज़्यादा फ्रेंड लोग आए नहीं है तो इसलिए छोटा वाला ही गाड़ी है, फिर भी छोटा नहीं है, इसमें 15-20 आदमी आराम से आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम आपका भाई नज़र आ रहा है, तो इसमें काफ़ी ढेर सारा म्यूजिक बज रहा था, यहाँ पे गाने वाने चल रहे थे तो मैंने यहाँ का वीडियो का आवाज़ साइलेंट कर दिया हूँ ताकि ये देखिए हमारे फ्रेंड है और काफ़ी ढेर सारा देखिए यहाँ पे गाना चल रहा था तो इस आवाज़ को मैं बंद कर दिया ताकि कॉपीराइट का कोई इशू ना आए इसके लिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे गाना चल रहा था अलग ही लैंग्वेज में भोजपुरी में और मेरे चैनल में मैंने दे रखा है हिंदी में, तो इसके लिए दोस्तों अगर आप लोग पूरा वीडियो का आवाज़ सुनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। दोस्तों चलिए पहुँचते ही हम आप लोग को दिखाने वाले अच्छा सा एक नज़ारा और देख करके आप लोग बताइएगा कमेंट कीजिएगा आप लोग को कैसा लगा और कैसा आप लोग को लगा, और घूमने आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। फिर हम लोग एक बार और जाने वाले हैं तो दोस्तों जो नज़दीकी है फ्रेंड वो तो आ सकते हैं, मैं उनको साथ में लेकर चलूँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए ये बड़ा वाला जो पहाड़ी दिख रहा है इसके ऊपर तक जाना है और इसके ऊपर रास्ते जो है काफ़ी टेढ़े मेढ़े हैं, तो यहाँ पे जो ड्राइवर भाई है वो काफ़ी इस जगह को अच्छी तरीके से जानते हैं और तभी फास्ट चलाते हुए काफ़ी अच्छे से टर्न ले रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए ये जो है अभी तो रोड चढ़ाई मतलब वो जो आप लोग को मैं ये पहाड़ दिखा रहा हूँ वीडियो में इसके ऊपर जाना है, इससे और हाइट में जाना है और ये सारे बादल आप लोग को नीचे दिखने वाला है इस वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तो आप लोग को नज़र आने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैं जब पहाड़ी के ऊपर जाऊंगा तो सारे बादल नीचे दिखाई देंगे और वहां से बादल उठते हैं वो भी दिखाई देंगे। तो देख सकते हैं जगह जगह रास्ते में यहां पे लगा हुआ है तेरा मेरा रास्ता का सिग्नल का पोस्टर, तो देख रहे हैं रेलिंग भी लगा हुआ है और यहाँ पर हम लोग अभी छोटे वाली पहाड़ी पर चल रहे हैं, इस पहाड़ी पर से और एक पहाड़ी डाउन में जाना है फिर एक पहाड़ी हाइट में जाना है। तो कौन कौन भाई है जो पहाड़ी इलाके में और इस ऐसे जगह पे घूमना पसंद करते हैं और घूमते हैं, तो देख रहे हैं दोस्तों ये जो भी वीडियो में आप लोग को दिख रहा है इसके ऊपर जाना है, उससे पहले हम लोग को यहाँ से एक छोटा ये भी छोटा नहीं काफ़ी हाइट है तो इस पहाड़ी को पास करके फिर जाना है दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे सारे के सारे जो है यहाँ पर ये देखिए और गाड़ी काफ़ी फास्ट है और मोबाइल से वीडियो फुल आता नहीं है भाई और मैं मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो देख सकते हैं दोस्तों ये देखिए अब यहाँ से जाएंगे हम लोग हाइट में, देखिए यू टर्न एकदम काफ़ी टेढ़ा रास्ता है और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी संभल के गाड़ी चलाना पड़ता है क्योंकि कभी कभी सामने से भी गाड़ी काफ़ी फास्ट ही आता है। ये देखिए कितना टर्न है, जैसे हम लोग आ रहे थे पीछे से सेम वैसा ही घूमना है और ऐसे सांप की तरह घूम घूम के ऊपर की तरफ काफ़ी हाइट में जाना है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ से देखिए ये फिर वापस घूम गए और फिर यहाँ से वापस घूमेंगे, ये देखिए सामने से गाड़ी आ रहे है वो भी सब काफ़ी फास्ट है, ऐसा नहीं कि स्लो है। और जो मेरे बगल में आप लोग को लेफ्ट साइड में जो पहाड़ी में वीडियो में दिखा रहा था वो देखिएगा वो कितना छोटा हो जाएगा, जब वो काफ़ी बड़ा दिख रहा था जब नीचे थे हम लोग
और उससे भी ऊपर जाना है और वो और भी नीचे चला जाएगा। देखिए देखिए अभी ये नीचे नीचे जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग हाइट में जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाइट में जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जिंदा पार है और पानी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे निकल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे भी झरना होगा तो मैं उसका वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और जैसे ही जगह पे पहुँचेंगे वहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्किंग करेंगे और फिर अंदर साइड जाके देखेंगे क्या क्या है। तो दोस्तों ये वीडियो में काफ़ी लंबा ना हो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो भी बना के डालूंगा, तो आप लोग पार्ट टू के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोग को पार्ट टू का वीडियो दिखाऊं अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे भी देखिए ये लोग इतना दूर भाई कैसे पैदल आ गए हैं, पता नहीं काफ़ी चढ़ाई है और या फिर यहीं पर लोग उतर के यहाँ से जा रहे हैं। तो देख सकते हैं जो फर्स्ट हम लोग रास्ता चला था अभी वीडियो में थोड़ा सा मैं दिखाया हूँ, और यहाँ पे हम लोग को लेट ना हो जाए इसके लिए गाड़ी रोक नहीं रहा हूँ, नहीं तो गाड़ी रोक के यहाँ से वीडियो आप लोग को दिखा था काफ़ी अच्छा लगता। तो देख सकते हैं दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो जा रहा है गाड़ी हाइट में ही जा रहा है अभी तक, और पता नहीं कितने हाइट में जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी मैं गाड़ी के अंदर का वीडियो थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए जो पहाड़ी काफ़ी हाइट था अभी एक लेवल में आ गया है, देख रहे हैं यहाँ पे भी सब बाइक से आए घूमने के लिए, आप लोग भी बाइक से आ सकते हैं घूमने। और ये जगह जो है ये बेंगलोर में है, नंदी हिल है। तो देखिए फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और जो बाजू में पहाड़ काफ़ी हाइट था वो काफ़ी नीचे चला गया है, और इससे भी और हाइट में जाना है तो वहाँ से गाड़ी नहीं जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग गाड़ी को पार्किंग में पार्क कर दिए है, देख सकते हैं ये पार्किंग है, यहाँ पे पार्किंग कर दिया और यहाँ से अब पैदल सीढ़ी करके जाना है और हाइट में जाएंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों वही जो रास्ते जहाँ से हम लोग चले थे इसी पहाड़ के बाजू से चले थे वो काफ़ी डाउन में आ गया है, देख सकते हैं। ये देखिए आप लोग को दिखाई दे ही रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे, तो हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, तो हंसते और मुस्कुराते रहिए। आइए आज आप लोग को दिखाते हैं, मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ बड़े बड़े पहाड़ है और ढेर सारे जंगल है जो आप लोगों के लिए देखने के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ से ऊपर हम लोग जाने वाले हैं और काफ़ी नीचे से आए हैं, देख सकते हैं ये देखिए। देख सकते हैं काफ़ी नीचे से आए हैं, अभी और काफ़ी ऊपर जाना है, ये देख सकते हैं पैर से दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को बैक कैमरा से। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बादल उठ रहा है, एक यहाँ पे उठ रहा है, देख सकते हैं। ड्राइवर ट्रिक 0852 आ गया और इंस्टाग्राम भी 0852 आ गया है, ड्राइविंग ट्रिक 0852। तो दोस्तों अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं ये देखिए यहाँ पे एक नदी है और यहाँ से कितना छोटा दिख रहा है, और यहाँ पे शहर है जो दिख रहा है जिससे हम लोग निकले थे। और देखिए दोस्तों यहाँ से कैसा दिखाई दे रहा है ये देख सकते हैं आप लोग। और मेरे पास मोबाइल है, यहाँ पे कैमरा होता तो काफ़ी अच्छा ही आप लोग को मैं वीडियो दिखाता। तो आप लोग यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो आ सकते हैं और काफ़ी आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं पहले ही बताया था वीडियो में, हमेशा खुश रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों 4 दिन की ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं घूम लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों और इससे हम लोग पार्किंग से गाड़ी निकालते हैं और इससे हाइट में जाना है तो चलते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आप लोग को घूमने आना है तो बता दूँ बेंगलोर में नंदी हिल है, तो हम लोग के पास दोस्तों हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं, अगर टाइम रहा यहाँ पे वही नंदी हिल है जो शंकर भगवान के बहुत बड़ा मूर्ति दिखाई देता है ब्लैक कलर का, और उस पर रात में भाई लाइट लगाया जाता है। तो हम लोग रात में जाने वाले हैं लाइट के लिए देखने के लिए,
कैसे आता है। आप लोग गूगल पे या और चैनल पे देखे होंगे, उसी को हम लोग भी देखने के लिए आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रहा था और बारिश का कहाँ पे कब हो जाए कोई गारंटी नहीं। तो दोस्तों चलिए पहाड़ से हम लोग डाउन आके दूसरे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे वो बरसा मूर्ति है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना करूँगा, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और आप लोग को और इससे आगे और इसी जगह का और ज़्यादा देखना है नज़ारा। तो दोस्तों आप लोग पार्ट टू का कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं पार्ट टू लेके आऊँगा आपके लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ का काफ़ी ढेर सारा वीडियो पड़ा है। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा ही वीडियो डालूँगा भाई, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होने पे कोई भी भाई उनके पास टाइम नहीं होता उतना देखने के लिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा डालूँगा ताकि आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के या टाइम थोड़ा देखिए। यहाँ पे सब पत्थर पे लिखा हुआ है और यहाँ पे मुझे ये जो लिखा हुआ है उसका लैंग्वेज नहीं आता है, नहीं तो आप लोग को मैं दिखाता। और आप लोग को लैंग्वेज आता है तो आप लोग बताइए क्या लिखा हुआ था वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लोग घूमने आते हैं और यहाँ पे कलर और पेंट लेके भी आते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे लिख के जाते हैं। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, जो पहाड़ फ्री है घूमने वाला है बारिश के अक्सर मौसम में, यहाँ पे पत्थर खसी के घिसट के अपने आप रोड पे आ जाते थे, इसके लिए वहाँ पे भी लिखा गया है उस पत्थर के बाजू में खारा उरा ना रहे। और यहाँ पे जांच करके लोग लिखते रहते हैं। ये देखिए ये घूमने आने वाले भी लिखे हुए हैं और जो पत्थर खिसक के गिरने वाला है वहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो बारिश के मौसम में दोस्तों यहाँ पे ना आए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, कौन सा पत्थर खिसक के आपके गाड़ी के ऊपर आ सकता है कोई नहीं जानता है। देख सकते हैं दोस्तों और हम लोग हाइट पे जा रहे हैं, जहाँ पे रुके थे वहाँ से और हाइट पे जा रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या क्या जगह देखा है, आप लोग को क्या क्या घुमाए आप लोग को देखना है, तो दोस्तों उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। ये देखिए यहाँ पे सब रुकते हैं और अपने अपने पोस्टर यहाँ पे लिख के जाते हैं कलर और पेंट से। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कोई कोई भाई अपना नाम भी लिख के चला जाता है और कोई कोई अपना कुछ लिखता है, कोई शहर लिखता है, कुछ भी लिखता है। तो देखिए सारे फ्रेंड हमारे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे एक पत्थर आप लोग को दिखा है दोस्तों जो फ्री था। ये देखिए यहाँ पे भी एक पत्थर फ्री है, उस पर निशान बना हुआ है, उसके बगल में खड़ा ना रहा है, सेल्फी उल्फी जो लेने के लिए खड़े रहते हैं वहाँ ना रहे। तो दोस्तों आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए और बताइए, और ऐसा और वीडियो आप लोग को देखना है तो मैं पार्ट टू लिख करके आप कमेंट कीजिए और मैं तुरंत आप लोग को वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर के साथ छेड़छाड़ ना करें इसके लिए सिग्नल दिया हुआ था। तो देखिए और ना उस पर चढ़े और ना खड़ा होकर सेल्फी ले, क्योंकि वो फ्री पत्थर था, ज्वाइंट नहीं था, ऊपर था जो बड़ा सा दिख रहा था वही था और काफ़ी अंदर खाई में गिरा हुआ है। तो एक बार अगर हिला तो खाई में वो फिर घूमता ही रहेगा, साथ में आपको ले जाएगा। तो इसके लिए ये सब चीज़ें सावधानी रखें, काफ़ी रिक्स भरा यहाँ पे जगह है। तो दोस्तों चलिए वापस हम लोग डाउन में चलते हैं। देख सकते हैं आज 15 अगस्त है, तो यहाँ पे भाई झंडा फहराए हुए है एक भाई ने ऑटो खड़ा करके, तो अच्छा है। तो देख सकते हैं ये वीडियो मैं काफ़ी पहले लिया था लेकिन अपलोड नहीं कर रहा था, लॉन्ग वीडियो मैं अपने चैनल पर शॉर्ट अपलोड कर रहा था। तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गया लॉन्ग वीडियो, और लास्ट तक आप लोग बने रहिए क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो पे लास्ट तक नहीं बने रहते, इसके लिए मैंने लॉन्ग वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया था। तो दोस्तों देख सकते हैं वही शहर है जो हम लोग पहाड़ी के ऊपर से देखे थे, अभी देखिए उसी जगह हम लोग आ गए हैं। फिर भी ये काफ़ी हाइट है, देख रहे हैं अभी भी हाइट में ही जा रहा है गाड़ी। तो यहाँ पे वही जो शहर है जो आप लोग को ऊपर से वीडियो में मैं दिखाया था देख सकते हैं, और यहाँ पे गांव भी है, यहाँ पे अच्छे खासे खेती भी देख रहे हैं आप लोग, खेती हुआ है, सब्जी उब्जी और गेहूं वेहूँ शायद लगाया गया है, नहीं बाजरा लगाया गया है, बाजरी जो बोलते हैं वो लगाया गया है और सब्जी लगाया गया है। तो देखिए वही पहाड़ है दोस्तों जिससे हम लोग काफ़ी पास से निकले थे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये देखिए आप लोग को
दिखाई दे रहा है यहाँ पे है। तो इस पहाड़ी के उस तरफ से रास्ता है वहाँ जहाँ जाना है, जहाँ शंकर भगवान का काफ़ी बड़ा मूर्ति था। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही अपलोड करूँगा और काफ़ी समय लगेगा हम लोग को यहाँ से वहाँ जाने में, यहाँ से शायद 200 किलोमीटर ऐसा है। तो चलिए चलते हैं और वहाँ का वीडियो आप लोग को देखना है दोस्तों तो मैंने पहले ही बताया था, आप लोग पार्ट टू लिख करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग को देखिए पहाड़ी 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 लोग बोलते हैं दोस्तों, लेकिन पहाड़ में रहना और यहाँ से गुजरना काफ़ी मुश्किल और रिक्स भरा है। देख सकते हैं दोस्तों ये जो जगह जो है यहाँ पे जो रहते हैं उनको अनुभव और हर चीज़ का पता हो चुका है। बाकी यहाँ पे हम लोग घूमने आए थे तो इतने में ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई टी का एक स्टॉल भी नहीं है चाय व नाश्ते का, तो हम लोग को काफ़ी तेज़ भूख लगा है। तो पहले हम लोग शहर में कहीं भी होटल होटल देखेगा तो वहाँ रुक के पहले नाश्ता वास्ता करेंगे। और दोस्तों पानी का व्यवस्था तो हम लोग पहले ही कर लिया था, तो यहाँ पे आइएगा तो पानी का व्यवस्था अपना करके आइएगा जितने आदमी हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को पानी वानी नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो यहाँ से चलिए वीडियो मैं अब समाप्त करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग फुल वीडियो हमारा देखते नहीं है। तो दोस्तों आप लोग को रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो हमारा लास्ट तक देखें और कैसा लगता है कमेंट कीजिएगा ज़रूर। तो देखिए अभी हम लोग उस पहाड़ी पे थे जो उधर सबसे दिखाई दे रहा था, ये देखिए उसके और उधर थे, और यहाँ आने में भी काफ़ी टाइम लगा हम लोग को। तो वीडियो में कहीं कहीं का थोड़ा थोड़ा अपलोड कर रहा हूँ, सारा वीडियो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने वहाँ से आया और देखिए इधर से यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पे अधिकांश पहाड़ी पहाड़ है। ये देखिए पानी निकल रहा है, देख सकते हैं जिंदा पहाड़ है सब। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूँ ऐसा ही थोड़ा थोड़ा कहीं निकलता है, कहीं ज़्यादा निकलता है तो काफ़ी अच्छा वो झरना बन जाता है, तो काफ़ी अच्छा देखने में। तो चलिए यहाँ पे छोटा सा एक गाँव है, लेकिन यहाँ पे स्टॉल कोई दुकान वकान नहीं है दोस्तों। और ये जो घर देख रहे हैं अभी इसका काम चल ही रहा है, ये देखिए यहाँ पे अभी घर जो है काम चल रहा है बन रहा है। और दोस्तों हम लोग को इधर तो मिल नहीं रहा है चाय पानी नाश्ते का ऐसा कुछ भी। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ हमारे चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमेशा वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ। तो चलिए अब ज़्यादा मैं क्रेन और ड्राइवर का वीडियो अभी फ़िलहाल अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो आज देखिए 15 अगस्त है, हर जगह झंडा मिल रहा है आप लोग को। तो देखिए दोस्तों ये 15 अगस्त का वीडियो है और मैं काफ़ी लेट से अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग वॉच नहीं कर रहे थे हमारा वीडियो, पूरा देखते हैं सब्सक्राइब भी करते हैं हर चीज़, लेकिन आप लोग ये देख सकते हैं पूरा आप लोग लास्ट तक नहीं देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे।